नमस्कार दोस्तों, ज्योति देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं उपमा। उपमा कैसे बनाते हैं चलिए देखो। उपमा बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज का प्याज, एक बड़े साइज का टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं। इन सारे चीज को काट लेंगे और एक कटोरी सूजी और 2 से 3 चम्मच मूंगफली लेंगे। तो चलिए अब हम चूल्हे को जला लेते हैं। चूल्हा हमारा जल गया है तो अब हम एक भारी तले वाली कढ़ाई रख देंगे। अब हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। अब हम 1 कटोरी सूजी लिए थे उनको हम डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे। सूजी को लगातार चलाते हुए भुनते जाएंगे। दोस्तों गैस पर हम बनाते ही है, सभी जन बनाते हैं, लेकिन चूल्हे पर जो आप बनाएंगे ना उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है, इसलिए हम चूल्हे पर ही बनाना पसंद है। आपकी मर्जी कभी बना। तो सूजी हमारी भुन गई है, अब हम उतार लेंगे। कढ़ाई जो है वो गर्म है ना, तो जल भी अब हम सूजी को एक बर्तन में निकाल देंगे और सूजी को निकालने के बाद फिर से हम कढ़ाई को रख देंगे। मूंगफली और भून गई है, अब हम निकाल लेंगे। अब हम दोस्तों 1 छोटी चम्मच जीरा लेंगे और 1 छोटी चम्मच सरसों लेंगे। तो अब हम इन दोनों को डाल देते हैं और तड़का को चटकने देते हैं। तो हमारा जीरा और सरसों तड़क गया है तो अब हम मिर्ची डालेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। टमाटर को हम बाद में डालेंगे। एक मिनट के लिए हमारे प्याज और मिर्ची सारे चीजें अच्छे से भून गई है तो अब हम टमाटर को भी डाल देंगे। अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर एकदम ज्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच। तो ये देखिए दोस्तों हमारे टमाटर जो है कटोरी से हमने सूजी लिए थे ना, उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। सूजी तो
बहुत ही पानी पीता है, इसलिए हम पानी थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं। पानी हमने डाल दिए हैं तो अब पानी में उबाल आ गया। पानी में जब उबाल आ जाएगा तब हम सूजी को डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पानी में कैसे उबाल आ गया है। तो अब हम सूजी को डाल देंगे, फटाक से डालेंगे दोस्तों, फटाक से हिलाना चालू कर देंगे, इसमें गुठली ना बने। हमने जो मूंगफली को भूनकर रखे थे उसको भी डाल दिया। दूर ही हट जाएगा दोस्तों, हमारा उपमा बनकर तैयार है। तो अब हम इनको उतार देते हैं, प्लेट को लेकर आते हैं, सभी जन खाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा उपमा बनकर तैयार है। हमारी उपमा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।